एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आज की वीडियो मैं लेके आई हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो से। तो इस वीडियो में मैं करूँगी ड्राई हेयर कॉम्बिंग। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल में पहली बार है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिए फ्रेंड्स। और वीडियो कैसा लगा वो भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में करूँगी ड्राई हेयर कॉम्बिंग। और मैंने आज ही अपने हेयर वॉश करे, क्योंकि मैंने कल नाइट में करा था हेयर ऑयलिंग। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा हेयर ऑयलिंग करी थी, तो मैंने कल जो हेयर ऑयलिंग करी थी वो कोकोनट हेयर ऑयलिंग थी। तो अब मैं करूँगी कॉम्बिंग। तो फ्रेंड्स, कॉम्ब करने के लिए मैंने जब मेरे हल्के गीले बाल थे तब मैंने अपने बालों में लगा लिया था लिवोन सीरम। और इसके बाद में अब काफ़ी मेरे बाल सूख चुके हैं, अब मैं करूँगी कॉम्बिंग। और फ्रेंड्स, कॉम्ब करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने बालों को टू सेक्शन में डिवाइड करना है। तो मैंने ऑलरेडी अपने बालों को टू सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। तो चलिए कॉम्ब करना है, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए, बालों को कॉम्ब करने के लिए मैंने ये इस तरह का कॉम्ब लिया है। बड़े दांत का कॉम्ब है ये। और तो इस तरह के कॉम्ब लेंगे और ये बालों की पहले टिप पे करेंगे कॉम्ब। मैंने अपने काफ़ी वीडियो में बताया है कि जब भी कॉम्ब करेंगे तो आप अपने टिप से स्टार्ट करेंगे, ना कि स्कैल्प से। अगर आप स्कैल्प से स्टार्ट करेंगे कॉम्ब करना, तो हमारे नीचे आके जो सारे हेयर होते हैं वो फ्रिजी हो जाएंगे। और इसके वजह से जब आप कंघी को ऊपर से लेके नीचे तक लेके आओगे तो काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होगा। तो जब आप अपने पूरे हेयर पहले से नीचे के सुलझा लेंगे, तो ऊपर से जब आप अपने स्कैल्प से कंघी करेंगे तो आपके बाल हैं वो बहुत कम हेयर फॉल होगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके मैं अपने बालों की लेंथ पे कॉम्ब का सेक्शन बढ़ाते हुए जा रही हूँ। तो देखिए, टिप से मैं काफ़ी हद तक ऊपर आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी तक मेरे कॉम्ब में ओनली वन हेयर के अलावा बिल्कुल भी हेयर नहीं है। आई होप आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये दिखे। तो बस इसी की वजह से होता है, अगर आप अपने बालों को का बिल्कुल ध्यान देंगे अच्छे से, तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होगा। और फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आज ही आया था कि आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आप अपने हेयर के लिए क्या यूज़ करते हो? तो फ्रेंड्स, मैं जब से विंटर स्टार्ट हुए हैं, मैंने अपने हेयर पे कोई भी DIY यूज़ नहीं करी है, क्योंकि विंटर में काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ होने की वजह से मैं DIY यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था। और मैं अगर DIY यूज़ करती और इनकेस मेरी अगर तबीयत ख़राब हो जाती, तो इसी की वजह से, और मुझे अपने बेबी का अकेले ख्याल रखना पड़ता है, तो इसी की वजह से मैंने कोई भी DIY यूज़ नहीं करी है। बट हाँ, मैंने पूरे विंटर में मैंने सिर्फ क्या किया है कि क्लिनिक प्लस का एक प्रोटीन मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं वो लगाती हूँ। इसके बाद में मैं हेयर ऑयलिंग के लिए और क्लिनिक प्लस शैम्पू लगाने के बाद फ्रेंड्स, मैं लिवोन सीरम का यूज़ करती हूँ, हल्के जो फ्रिजी वाली, यानी कि हल्के से जब बाल होते हैं तो उसमें मैं लिवोन सीरम लगाती हूँ। इसके बाद मैं कॉम्ब कर लेती हूँ और जब मुझे ऑयलिंग करनी होती तो मैं कोकोनट ऑयल या सेसा ऑयल, बस मैं ये दो हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। और मैं जल्दी आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगी, जो भी मैं DIY अपने बालों में करूँगी तो उन सबका वीडियो मैं आपको ज़रूर दूंगी फ्रेंड्स, और आपको बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। तो मैंने विंटर में तो इस बार कोई भी DIY यूज़ नहीं करी है, बट मैं करती हूँ, तो मैं आपको आगे के आने वाली वीडियो में सब कुछ बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, देखिए, बात करते करते मेरे सारे हेयर जो हैं वो अच्छे से कॉम्ब हो गए। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्कैल्प लेके और मेरी बालों के लेंथ जो टिप तक कॉम्ब ईजली जा रही है। तो देखिए, ये आराम से निकल जा रही है। और रह गई बात हेयर फॉल की, तो फ्रेंड्स ये देखिए, कॉम्ब पूरी प्लेन है और ओनली ये देखिए वन हेयर ही निकला हुआ है बस। इसके बाद अभी कोई भी हेयर फॉल नहीं हुआ है। और इसी तरह से अब मैं करूँगी दूसरी तरफ कॉम्ब। तो फ्रेंड्स, अब मैं करूँगी दूसरी तरफ कॉम्ब। तो ये देखिए, टिप से यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे से करके आप टिप लेंथ ऊपर तक आएंगे। तो हमेशा फ्रेंड्स, कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होंगे और आपके बाल भी नहीं जड़ेंगे। आप हमेशा साफ कॉम्ब का यूज़ करें।
अपने टॉवल को भी साफ टॉवल का यूज़ करिए, और बालों को कंडीशनिंग करने के बाद, हेयर वॉश करने के बाद, आप सिलिकॉन सीरम या आपके पास जो भी सीरम हो आप उस सीरम का यूज़ ज़रूर करिए, और हफ्ते में 2 से 3 बार आप हेयर ऑयलिंग करें। अगर आपको एवरीडे आपको हेयर ऑयल करना अच्छा नहीं लगता है तो आप कोशिश ये करिए, आप लोग ये करिए नाइट में हेयर ऑयलिंग करके मॉर्निंग में अपने बालों को धुल लीजिए, और आपके जो हेयर होते हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से यहाँ इस तरफ के भी बालों की अच्छे से कॉम्बिंग हो गई। तो देखिए आप बिफोर एंड आफ्टर दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, जब मैंने अपने बालों को कॉम्ब नहीं किया था तब का और अब, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। दोनों ही बाल दोनों ही तरफ अच्छे से कॉम्बिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बिफोर एंड आफ्टर में आपको काफ़ी अच्छा अंतर भी दिख रहा है। और जो हमारी जो कॉम्ब है वो फ्रेंड्स स्कैल्प से लेके और टिप तक अच्छे से आ रही है, और इस तरह भी फ्रेंड्स ये देखिए बस इतना थोड़ा सा ही हेयर फॉल हुआ है। ये देखिए देखिए कॉम करने के बाद मेरा जो लुक है कुछ ये इस तरह से हो गया, बाल कितने अच्छे से लगने लगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।